आपका स्वागत है संपूर्ण ज्ञान में डेयरी का। इसमें मैं डेयरी के रूटीन के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने जो है वो किराए पे जमीन लेके 10,000 रुपये महीने पे और ये शेड बना रखा है। इसमें ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये लोहे का ये लगा हुआ है ऊपर और ये टीन लगा हुआ है। इसमें मैंने मेजर बनाया, ये इसलिए बना रखा है अगर किसी ने मुझे मकान खाली करवाया, ये जगह खाली करी, तो मैं इसे दूसरी जगह उखाड़ के लगा लूँगा। और देखिए, मेरे पास गाय है, मैं ऐसी गाय लाता हूँ जो ब्याह नहीं रही है या दिक्कत कर रही है, तो उन्हीं को ला के रखता हूँ। अब ये गाय का इनका रूटीन ये है कि ये सुबह 5:30-6 बजे इनके बच्चे चिल्लाने लगते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि साहब ये इनके दूध का टाइम हो गया, तो उस वक़्त इनको जो है दूध निकालना शुरू कर देते हैं। और फिर इसका ये देखिए मेंजर है, ये इसके ये मेंजर है, ये मेंजर है, मैं और भी दिखाऊंगा आपको। तो इन मेंजर में जो है हम साइलेज डाल देते हैं और इनका दूध निकालना शुरू कर देते हैं। फिर तो दूध निकालने के बाद ये जो भी 6 से 7 के बीच में इनका दूध निकल जाता है, जितना भी दूध ये देते हैं। हमारे पास ज़्यादा अच्छे एनिमल्स नहीं हैं, 20 लीटर से ले गए और 15 लीटर तक के एनिमल्स हैं, पर ये क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंटल वो है तो इसलिए ये। उसके बाद ये चारा खाते हैं, ये 10 बजे तक चारा खाते रहते हैं अपना 10 बजे तक। और देखिए, चारे में मैं पहले इन्हें भूसा खिलाता था, ये देखिए मेरा भूसा का है यहाँ पे रखा हुआ है भूसा, तो ये भूसा खाते तो कम देते, बेकार जाते कर देते। अब मैंने ये किया है कि इनको भूसा खिलाना तो कर दिया कम, और मैंने साइलेज खरीद लिया। ये साइलेज मुझे 7 रुपये किलो मतलब मिला है। साइलेज देखिए, इसकी बेल्स आती हैं, 4-4 किलो की बेल्स आती हैं साइलेज की, ये देखिए बेल्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो इनको एक बेल को खोल लेते हैं, एक बेल 3-4 दिन चलती है और ये खराब नहीं होती है, ये बेल्स है साइलेज की। तो बेल्स को खोल लिया और बेल्स जो है वो 3-4 दिन चला, फिर दूसरी बेल्स को खोल लिया, तो 15 दिन ये इस तरह चल जाती है। ये देखिए हमारी कुछ गाय है, ये गाय का बच्चा है, देखिए इसके संग बच्चा है, ये गाय का बच्चा, ये जो है वो रेडेन का बच्चा है, ये देखिए दूसरी गाय, ये देखिए अति सुंदर गाय है, ये करीब 25 लीटर दूध देती है, इसका बच्चा है, ये अभी 15-20 दिन का बच्चा है। ये अभी इसको हम दूध पिलाते हैं और इसको मूँग की दाल, छिलके वाली मूँग की दाल देते हैं, छिल की दाल, ये इसकी माँ का ये ऑर्डर है। ये अब रेस्ट कर रही है, ये दोपहर भर रेस्ट करेगी, 3-4 बजे ये चिल्लाना शुरू कर देगी। ये देखिए ये बच्चे हैं, ये फीमेल बच्चा है, अच्छा होलस्टीन का बच्चा है, ये हमारे एक फार्म से लाया हूँ। ये हमारे पास एक गाय है, देखिए ये दिखाई दे रही है आपको गाय, तो ये हम एम्ब्रो ट्रांसफर यूज़ करते हैं, इसको हार्मोन्स लगाया था, ये बछिया हम लाए थे तो ये दूध देने लगी है, वे 5-6 लीटर दूध देती है हमको भी। इसी प्रकार से है जो डेयरी के ऑपरेशंस हैं, ये हमारा कैटल क्रेट है। अगर किसी जानवर को मतलब हमें एग्जामिनेशन करना होता है, सुई लगानी होती है, तो यहाँ पे लगाते हैं। तो मैंने आपको यही बताया कि ये जानवर सुबह 6 बजे से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और फिर 6 बजे से 7 बजे तक वो खाते हैं, अपना चारा खाते हैं, दोपहर में आराम करते हैं और फिर जुगाली करते रहते हैं दोपहर भर। तो इनके लिए डिस्टर्बेंस किसी तरह का नहीं चाहिए। अगर आपके यहाँ ऊपर से हवाई जहाज निकल गया, हेलीकॉप्टर आ गया या मिस्त्री काम करने आ गया, तो इनके दूध उत्पादन में कमी आ जाएगी। तो मैंने आपको यही बताया कि आप डेयरी में कोई भी परमानेंट वो जो है कंस्ट्रक्शन मत कराइए, परमानेंट क्वेश्चन सब चीज टेम्परेरी। और एनिमल्स जो है एनिमल्स पे सामने से डालना चारा डाला जाता है। देखिए ये इधर भी मेरे पास ये बना रखे हैं मैंने, तो ये सब सामने से डालना चारा डालते हैं, ये पशु खा रहा है सामने से डालना चारा, ये नहीं कि आप पीछे से ला के डालना चारा डाल रहे हैं। इसको साइलेज पड़ा हुआ है और वो क्योंकि दोपहर का वक्त है 2 बजे, तो 3-4 बजे से ये चिल्लाने लगेंगे। फिर इनको इनका दूध निकाला जाएगा, इनका मतलब साइलेज डाला जाएगा, इनको दाना डाला जाएगा। तो मैं आपको यही बता रहा था कि मेरे पास मिल्किंग मशीन भी है, तो मिल्किंग मशीन ये है हमारी, उससे हम इनकी मिल्किंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा दाना है, ये दाना किसी भी कंपनी का ले लीजिए, बहुत सारी कंपनियां हैं, ये सत्यवाना का दाना है। और हमारे पास मूंग की दाल की चुरी भी है, जो मूंग की दाल की चुरी है ये खाती हैं, उसके साथ साथ कुछ चावल और चोकर भी रखते हैं। ये इनका बाईपास फैट है, ये बाईपास फैट है, ये ग्लैक कैश है, ये देते हैं बाईपास फैट। और ये मिनरल मिक्सचर है, चिलेटेड मिनरल मिक्सचर दीजिए, इसमें सभी चीज़ है, मैग्नीशियम वगैरह और ये सब। तो ये दाने का 1% करीब दिया जाता है, या ये समझ लीजिए कि आप जितना दूध दे रही है उतने ग्राम दे दीजिए आप इसको। और इसके अलावा ये यहाँ पे हमारी सारी मेडिसिंस वगैरह रहती हैं, इसमें इमरजेंसी मेडिसिंस बहुत ज़रूरत है। ये देखिए ईस्ट का डिब्बा है, इसको 2 गोली ईस्ट देते हैं हम रोज़। और ये जो रिप्रोडक्शन में आती हैं उनके लिए बायोप्लेक्स
बायोप्लेक्स की गोली, बायोप्लेक्स जो जिसका आयरन वायरन की कमी हो जाती है उसको ये बायोप्लेक्स की गोली दी जाती है। ठीक है, तो इमरजेंसी मेडिसन्स भी होनी चाहिए आपके पास, आपके पास साइलेज भी होना चाहिए, आपके पास मिल्किंग मशीन भी होनी चाहिए। जो आपने समय और लेबर को बचा लिया वही मतलब आपका धन है। इसके अलावा मैं यहाँ पे फ्लावर्स और सब्जी भी लगाता हूँ, देखिए गोबर है मेरे पास तो मैं फ्लावर और सब्जी भी लगाता हूँ, देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो आप फ्लावर उगाइए, सब्जी उगाइए, मुर्गी पालिए, मुर्गी भी है मेरे पास, वो मैं आपको फिर दिखाऊंगा। देखिए मैंने फ्लावर्स लगा रखे हैं, गाय है, पर मैं आपको यही बता रहा हूँ ये बाय द वे की बात नहीं है। और ये भी नहीं समझना चाहिए कि हम गाय पाल रहे हैं तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप संपूर्ण रूप से इसी में आना चाहते हैं तो आइए, हमारे यहाँ इसकी ट्रेनिंग होती है। दो नंबर हैं वो यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं, उससे आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा और आप जो है उनसे जो है यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, या कहीं भी ट्रेनिंग लीजिए किसी फार्म पे। एनिमल के साथ आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक हवाई बातें करने से कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद, आपने सुना, थैंक यू।